दोस्तों, हिंदी फिल्म इतिहास में अपने बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन और दमदार डायलॉग डिलीवरी से कामयाबी का परचम लहराने वाले अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी आज न सिर्फ हिंदी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनका साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी एक अलग ही रुतबा कायम हो चुका है। जिनकी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में की गई हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई है, और इसी तरह ये एक बार फिर तैयार है अपनी एक और धमाकेदार साउथ फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने के लिए, वो भी अपकमिंग साउथ फिल्म मसा गल्लू के साथ। जी हाँ, हमें जल्द ही सुनील शेट्टी की अपकमिंग साउथ फिल्म मसा गल्लू देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में बताएंगे कि आखिरकार कौन सी होगी फिल्म में स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी मसा गल्लू फिल्म से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले अन्ना उर्फ सुनील शेट्टी के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू हेरा फेरी और धड़कन जैसी कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले अभिनेता सुनील शेट्टी आज अपनी कड़ी मेहनत और मशक्कत के दम पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार कहे जाते हैं, जिन्होंने अपनी किसी भी फिल्म से दर्शकों को निराश नहीं होने दिया है। साथ ही ये साउथ इंडस्ट्री की ऑडियंस को भी अपना दीवाना बना चुके हैं कि साल 2020 में आई धमाकेदार फिल्म दरबार तो आपने जरूर देखी होगी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में तहलका मचाती हुई नजर आई थी, जिसके चलते दर्शकों के बीच सुनील शेट्टी की अपकमिंग साउथ फिल्मों के लिए जबरदस्त क्रेज बना हुआ है, जिस पर अब सुनील शेट्टी ब्रेक लगाने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट मसा गल्लू फिल्म के साथ। जी हाँ, हमें जल्द ही मसा गल्लू फिल्म देखने को मिलने वाली है, जिसे मंचू विष्णु के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। ये एक बड़े बजट में बनने वाली क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ की रियल बेस स्टोरी देखने को मिलेगी, और इस क्राइम ड्रामा फिल्म को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कई तरह के VFX का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा फिल्म का क्लाइमेक्स कुछ इस तरह का होने वाला है कि आपको इसमें कई सस्पेंसफुल सीन्स के साथ साथ कई तरह के इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे, जिससे शायद ही कोई शख्स इस फिल्म को देखने से खुद को रोक पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि साउथ फिल्म होने की वजह से इसे सिर्फ तेलुगु भाषा में डब किया जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तो और हिंदी जैसी कई अन्य भाषाओं में भी डब किया जाएगा, जो कि काफी दिलचस्प होने वाला है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म की स्टार कास्ट की तो बता दें कि फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनेता सुनील शेट्टी को कास्ट किया गया है, जिन्हें फिल्म में ACP कुमार की जबरदस्त भूमिका में देखा जाने वाला है, जिसमें आप इनके तेज तर्रार और एक्शन से भरे अंदाज को देखेंगे। इसके अलावा फिल्म में इनका साथ देंगी खूबसूरत अदाकारा काजल अग्रवाल और मशहूर अभिनेता राम पोथिनेनी। जहां काजल अग्रवाल सुनील शेट्टी के ऑपोजिट अनु की भूमिका निभाने वाली हैं, तो वहीं राम पोथिनेनी की भी इस फिल्म में एक अहम भूमिका होगी, जिसका अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा चुकी है, जो कि हमें साल 2021 के समर के मौके पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए आप अभी से ही दर्शकों के बीच में इसका जबरदस्त एक्साइटमेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों, दरबार मूवी के बाद आप कितने एक्साइटेड हैं सुनील शेट्टी की अपकमिंग फिल्म मसा गल्लू को देखने के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।